हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट प्लान एडमिशन के रिगार्डिंग पूछा गया है, प्लान एडमिशन का मतलब होता है जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से ना दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में जो है पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, अलग अलग स्ट्रीम को लेना चाहते हैं। तो देखिए, डी ओ की तरफ से सर्कुलर इशू किया जाता है, डी ओ यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली के द्वारा, तो उसी में इंफॉर्मेशन दी जाती है बच्चों को ताकि उन्हें अच्छे से गाइडेंस मिल सके और किसी प्रकार की उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो देखिए, जो सबसे पहले जो एडमिशन होंगे ना वो गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के होंगे, ठीक है। और जो प्लान एडमिशन है यानी कि जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं ना उनके जो एडमिशन है वो 1 जून से स्टार्ट होंगे। लेकिन जो एडमिशन होंगे ना 11th क्लास वाले बच्चों के, तो यहाँ पर जो लिखा है ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप अलग अलग स्कूल भरेंगे अपनी चॉइस के, तो जिस स्कूल में आपको अलॉट किया जाएगा ना, ध्यान सुनना, जिस स्कूल में आपको अलॉट किया जाएगा उसी स्कूल में जाके अपने आपको सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सबमिट करवाने हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि आपको कोई और स्कूल मिल जाता, ये स्कूल मिल गया तो फिर बाद में आपको हो सकता है एडमिशन मिले ना, ठीक है। वहाँ पर जाके जैसे एडमिशन कराते हैं तो अगर कोई प्रोसीजर होता है तो, या जैसे रिक्वेस्ट करते रीज़न है तो शायद ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन पक्का नहीं कि आपको ट्रांसफ़र हो गई। जिस स्कूल में आपको एडमिशन मिल रहा है उस स्कूल में आप एडमिशन ले लेना, और अगर कोई छूट जाता है साइकिल 1 में तो उसको दोबारा से मौका मिलता है साइकिल 2 में जुलाई के 1st वीक में। लेकिन ये मत सोचिएगा आपने इसमें भर दिया फिर आप इसमें अप्लाई कर लें, ऐसा भी नहीं होता। जिनका छूट गया वो इसमें अप्लाई कर लेते हैं, जैसे किसी कंपार्टमेंट आ गए तो उसको मौका मिलता है, ठीक है। और तीसरी बार जो मौका मिलता है वो ऑफलाइन होता है, फिर आपको नए स्कूल में जाके पता करना पड़ता है, ठीक है। ये अभी ऑनलाइन होंगे, अभी स्टार्ट होंगे ना, तो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करना। मैं स्कूल से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। आप जैसे अगर आप एडमिशन के बारे में जानना चाहते हैं ना तो प्लेलिस्ट पूरी बनी होती है, तो आप उसमें चेक कर लिया करें कि कोई अपडेट आया नहीं आया, नहीं तो आप वीडियो अगर रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, और जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं उनको बता दूं कि अभी 3-4 दिन बाद से आपको स्कूल में बुलाने लग जाएंगे, आपको एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। फॉर्म की वीडियो बना रखी, कैसे फॉर्म भरना है आप उसे देख लेना, अच्छे समझ लेना। तो इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।